Hey guys, welcome back to my channel. Hello guys, कैसे हो आप सब? First of all, happy new year to all of you. And आज मैं जा रही हूँ गुलशन ढाबा मुरथल. लास्ट टाइम मैं इसके पार्क ब्लू गई थी, बट वहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा था. मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. उससे लास्ट टाइम मैं गुलशन ढाबा ही गई थी, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका न्यू ईयर कैसा था, आपने क्या किया, कहाँ गए, पूरी डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. भर देना यार कमेंट बॉक्स. And watch this video till the end. ठंड तो बहुत है यार, बाहर इतने दिनों से धूप ही नहीं निकल रही, काफ़ी ठंड हो रही है. बीच में तो धुंध भी बहुत थी, बट आज धुंध तो नहीं है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है. And guys, we are here at Gulshan Dhaba. ठंड तो पूछो ही मत, एंड पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है. मतलब जगह है लेकिन भरी पड़ी है पार्किंग की जगह. एंड डेकोरेशन अच्छी हुई है, बट वही है ना कि रात का मज़ा कुछ हो रही है. बट रात को सोचा कि काफ़ी भीड़ होगी तो इसलिए हम आए नहीं. डेकोरेशन देखो, यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, ये स्नोमैन टाइप सा बना रखा है, एंड लड़ियाँ वड़ियाँ लगा रखी है. सो गाइस, डेकोरेशन तो अच्छी कर रखी है इन्होंने. मेरे को लगता है ये डेकोरेशन ना क्रिसमस से ऐसे ही हुई है. क्रिसमस पे भी लोग जाते ही हैं बाहर, एंड क्रिसमस के हिसाब की डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी. एंड ये है हमारा क्रिसमस ट्री, क्रिसमस डेकोरेशन हुई है ना. ये है हमारा क्यूट क्यूट सा स्नोमैन. से हाय टू स्नोमैन. गाइज, यहाँ अंदर तो बैठने की जगह ही नहीं है, कोई भी टेबल खाली नहीं है, अंदर भी और उससे अंदर भी. बाहर फिर भी खाली था तो हम लोग तो बाहर ही बैठ गए थे कि बहुत भीड़ थी. यहाँ भी भीड़ है बाहर. ये है इंडो कुल्फ़ी. मैंने इसकी कुल्फ़ी खाई तो नहीं हुई, बट मैंने यहाँ की आइसक्रीम ज़रूर खाई हुई है, वो मैं आगे दिखाऊँगी. आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी यहाँ की. आ गया हमारा खाना. हमने मंगाई थी चाप और दाल मखनी, नान एंड रोटी, लास्ट में आलू का पराठा भी. सुने ना मुरथल के पराठे बहुत फेमस होते हैं, पर मैंने आज तक खाए नहीं. खाना तो मैंने आपको बताया था गुलशन ढाबा का, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है. गाइस, यहाँ पे केक हैं, प्यारे प्यारे से केक है, चॉकलेट वाला. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है. मैं केक खाती नहीं हूँ पर देखने में अच्छा लग रहा है. किसी का बर्थडे वर्थडे हो, यहाँ से आराम से केक ले सकते हो. यहाँ से मैंने आइसक्रीम ली थी, चॉकलेट आइसक्रीम ली थी, बहुत टेस्टी थी. से हाय टू सेंटा. सो गाइस, मैं ये डाकू बन चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं घर. डाकू तो यार खैर बन के भी आई थी और अब जा भी रही हूँ. ठंड बहुत है ना, इसलिए क्या कर सकते हैं. एंड खाना यार बहुत टेस्टी था. आलू के पराठे, क्या पराठे थे. एक दिन तो मैं स्पेशली ब्रेकफास्ट पे जाने वाली हूँ पराठे खाने. बाकी मज़ा आ गया यार. मतलब न्यू ईयर पे मैं बहुत रेयर होता है कहीं बाहर जाऊँ, पर मज़ा आ गया. एंड अब शाम को मैं आ चुकी हूँ सिटी मॉल, हॉट चॉकलेट पीने पर देखते हैं कुछ खाने का भी मंगा लेंगे. यहाँ पे भी वही क्रिसमस वाली डेकोरेशन हुई है. क्रिसमस पे मैं नहीं आई थी यहाँ पे, या नीचे झूले हैं. क्रिसमस पे इस बार मैं कहीं पे भी नहीं गई, वरना लास्ट टाइम मैं शायद यहीं आई थी सिडनी वाली. क्रिसमस और न्यू ईयर पे ना मैं जाती हूँ, बट इस बार हो ही नहीं पाया. एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर. उफ, मुझे लगा था ये एक्सीलेटर चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ की एक्सीलेटर कभी भी नहीं चलती है, कभी भी. ओह माय गॉड, डेकोरेशन वाओ. पर यार मुरथल जाके मज़ा आ गया सच में. मतलब एक तो खाना, भाई क्या खाना था. एंड ठंड तो थी, ठंड मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी,
पर मज़ा आ गया था। तो यहाँ मैं जा रही हूँ केमिकल एक्स। केमिकल एक्स पहले मैं 2-3 बार आई हुई हूँ, अब तो काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। एंड वाइब्स, क्या वाइब्स हैं यहाँ पे भी। बट वही यार, क्रिसमस ट्री, मतलब हर जगह ना क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई है। अभी किसी का बर्थडे भी है यहाँ पे, बर्थडे डेकोरेशन भी हुई हुई है। एंड मैंने ऑर्डर किए, 2 बर्गर ऑर्डर किए एंड हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट काफ़ी अच्छी थी, बर्गर भी अच्छा था, पर हॉट चॉकलेट जैसे गाढ़ी सी होती है ना, तो पर अच्छी लगी मेरे को हॉट चॉकलेट। गाइस ये फूड कोर्ट ना बंद सा हो चुका है, यानी कि कोई लोग ही नहीं है यहाँ पे। पहले तो फूड कोर्ट काफ़ी भरा हुआ रहता था एंड 4-5 शॉप्स थी आई गेस, अब यहाँ पे 2 ही शॉप्स रह गई हैं। अगेन दिस डेकोरेशन, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो अब हम चलते हैं घर, हो गया हमारा न्यू ईयर, घर जाके देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो। सो गाइस, आके मैंने खेली ऊनो एंड काफ़ी मज़ा आया, मेरी बहन जीत गई। बट मेरा न्यू ईयर अच्छा रहा, कमेंट करके बताओ कि आपका न्यू ईयर कैसा रहा, आपने क्या किया, कहाँ घूमे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।